हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो टाइम 5 बज गए हैं। हेमू योगी दोनों उठ चुके हैं और यहाँ पहले मैंने दूध बिलो लिया है और अब कर रही हूँ घी गरम। ये देखिए, हाथ भी चिकने हो रहे हैं क्योंकि अभी अभी घी निकाला था। और बाहर देखिए बिल्कुल अंधेरा है, भैंसों का कुछ काम नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा पहले रसोई का काम निपटा के इसमें झाड़ू पोछा करने के बाद, मावस है आज कनागती मावस, तो उसकी तैयारी करनी है। तो घी गरम करने के बाद, रसोई में झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं निकालूंगी दूध और भैंसों को चारा डालूंगी। ये देखिए, हेमू उठ चुका है, मुंह धो के आया है ये, और मैं दिखा रही थी आपको, बिल्कुल अंधेरा है। तो अभी मैं जो भैंस ने न्यार छोड़ दिया था, रात को डाला था थोड़ा बहुत, तो वो पार्टी को घेर दूंगी और बाकी का भैंस को तूड़ा और रख रखा है रात को लेके आई थी वही डाल दूंगी। तो कई दिन हो गए थे मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं किया था, तो आज योगी उठ चुकी है तो मैंने कह दिया है कि थोड़ी सी वीडियो बना दे सुबह सुबह की भी, क्योंकि ट्राईपोर्ट पे फ़ोन लगाने के बाद क्लियर तो आता नहीं क्योंकि यहाँ अंधेरा रहता है। लाइट है दूर बरामदे के, बाहर लाइट है लेकिन उसकी इतनी रिफ्लेक्शन आती है कि काम चल जाता है। बात यह है कि वीडियो बन नहीं सकती। तो अभी पहले आरी में आँच जला दूंगी, एक देगचा पानी गर्म होने के लिए रख दूंगी, मैं नहा लूंगी और बचा हुआ भैंस की चाट जो चढ़ाएंगे उसमें डाल दूंगी। गर्म पानी डालने से जल्दी बन जाती है। तो सर्दियों में तो मैं अधिकतर ऐसे ही करती हूँ कि टाइम रहता है उठते ही पानी गर्म रख देती हूँ, जल्दी से चाट बन जाती, फिर हेमू योगी का रख देती हूँ। तो अभी मैं सुबह सुबह का ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी और फिर मावस की तैयारी करनी है। तो अभी पानी गर्म रख देते हैं और फिर करेंगे अपना बाकी का काम। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और ये देखिए, मैं नहा चुकी हूँ और यहाँ बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने बना दिया है हलवा और खीर बन चुकी है। और अब बना रही हूँ मैं मांडी, बोलते हैं मावस की मांडी निकालना, तो वही बना रही हूँ। बाद में बच्चों के लिए बना दूँगी मैं पूरी। ये देखिए, हलवा बनकर है तैयार। इधर मांडी भी लगभग बन चुकी है। तो इस दिन 16 मांडी बनाई जाती है, वैसे तो हम 5 बनाते हैं। और ये खीर रख लिए, दही है, हलवा है। तो ये हो जाएगी हमारी मावस की रोटी, इसका लगा देंगे हम पितरों का भोग। आज के दिन जो तोगी नहीं, सिर्फ भोग लगेगा। कनागती मावस को भोग लगता है, बाकी और जो मावस आती है उनको जोत होती है। तो इस दिन सिर्फ भोग लगेगा, तो यहाँ मैं लगा दूंगी भोग। सारी चीज़ मैंने रख ली है थाली में और पानी का लोटा ले लिया है, यहाँ अच्छे से बैठ के भोग लगा दूंगी। इसके बाद मैं जाऊंगी बाहर, पितरों की जो चौतरी है उस पर भोग लगाऊंगी और फिर इनको जो ये मांडी बनाई है इनको गाय को दे देंगे। 2 कुत्ते की है इसमें और 2 ही कौवा होता है, कागला बोलते हैं गाँव में, तो उसकी रख दूँगी। और ये मंगाई थी बूरा प्रसाद के रूप में हमने, हमारे यहाँ बूरा या शक्कर यही मंगाते हैं। तो उसका मैंने देखिए भोग लगा दिया है। तो बात यह है, पितर हो देवता हो कोई भी हो, सब भोग के भूखे होते हैं, भाव होना चाहिए मन में। और ये कंगारी और ले लिए, इसका भोग लगा देंगे बाहर। खाना तो कुणबे को ही है और ये एक लोटा पानी। इसके बाद भोग लगाने के बाद यहाँ ऐसे करके बोलते हैं चढ़ू हो जाते हैं, रोटी खाने के बाद जो कूड़ा करते हैं वही। तो यही मैंने कर दिया है, अभी जाऊंगी बाहर। और ये देखिए, बाहर मैंने भोग लगा दिया है। बाद में योगी आई, बोली वीडियो बनाऊं, मैं कह रही थी मैंने तो भोग लगा दिया है, तो बोली कोई बात नहीं अब बना देती हूँ। तो अभी मैं बाहर के बाहर देख के आऊँगी गाय को रोटी, और गाय को रोटी देने देख के आने के बाद मैं लग चुकी हूँ बच्चों के टिफिन की तैयारी में। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पूरी। हेमू योगी दोनों हो चुके हैं तैयार और कल से हो जाएंगी नवरात्रि स्टार्ट। तो जो कनागत के दिन थे वो चले गए, एक पूरी बनी है वही योगी आप लोगों को दिखा रही है। तो अभी थोड़ा समय दीजिए हमें, थोड़ा हम बिजी हैं।
पहले दिखा देते हैं टाइम, 11 बजने वाले हैं। और ये देखिए थर्मस रख लिया चाय का, और पानी की हंडी लेनी है, 2-4 बर्तन हैं और काम हो चुका है। तो अभी चलती हूँ खेत में, कपड़े धो दिए हैं, कल क्या किया था वो दिखाऊंगी आगे। और अभी मैं जा रही हूँ खेत में, 2:30 बजे मैं घर गई थी और अभी टाइम 4:25 का हुआ है। और अभी मैं जा रही हूँ खेत में, 2:30 बजे मैं वापस घर गई थी। आज मैं खेत में आई थी सुबह 11 बजे, क्योंकि आज पीछे जो जगह थी उसमें काश नहीं बोई, कुछ मैं कल बो दी थी कुछ आज बोई। तो अभी 2:30 बजे जाके और 4:30 बज गए हैं, तो मैं आ गई हूँ खेत में। और आप लोगों को दिखाऊंगी कि 2 दिन में कितना काम हुआ है। और सामने पड़ रही है धूप, तो अभी खेत में पहुंच जाएंगे। और ये देखिए ये बाजरा, तो इन्होंने अपना 1 किल्ला लगभग काट दिया है, थोड़ा सा बचा है इनका। और मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने क्या काम किया है। और आजकल मेरी वीडियो 2 दिन से जा रही है लेट, और आज की तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। आज तारीख है 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को वीडियो जो जाएगी वो लेट जा रही है, क्योंकि मैं खेत में आ गई थी, खेत में काम हो जाता है। देखिए काम सारे करने पड़ते हैं, खेत का हो घर का हो। तो औरत की ज़िंदगी बड़ी बहुत ही मुश्किल है। और ये देखिए कल मैंने इतना काट दिया है, और आज ये देखिए आगे का भी इतना हो चुका है। तो राम ने चाहा तो आज लगभग मैं ये सारा काट दूंगी, और 2-4 दिन की बात है। देखिए काम तो करना ही है, तो इसके बाद आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। जवान को पता नहीं क्या हो गया, काम का प्रेशर है बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं कह सकती, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ये देखिए ये बाजरा खड़ा है अभी, तो अभी लगूंगी इसको काटने में। कटाई आप लोगों को दिखाऊं तो मैं ट्राइपॉड नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि खेत में सभी मजाक बनाते हैं, क्या लेके जा रही है, ये है वो है। तो थोड़ा सा बैक कैमरे से आपको मैं एक चीज़ दिखा सकती हूँ, यह रैंप लगा हुआ है वो दिखाऊंगी। तो पता नहीं बाद में वीडियो बनेगी नहीं बनेगी, 2 मिनट आप लोगों से अभी बातें कर लेते हैं। और इस खेत में ये रैंप लगा हुआ है, ये देखिए पास में, ये देखिए यहाँ से जो भरत वगैरह कराते हैं उसके लिए मिट्टी लेके जाते हैं, तो वो रैंप यहाँ लगा हुआ है। ये देखिए इस पूरे खेत में, ये देखिए, तो इसकी कटाई अब करूंगी शुरू। और वीडियो देखिए बड़ी मुश्किल से बन पाते हैं, क्योंकि काम का प्रेशर है। और अभी मैं गई थी 2:30 बजे, 2:30 बजे जाने के बाद मैंने खाना खाया, हेमू योगी से 2-4 मिनट बातें की, क्योंकि वो भी स्कूल से आए थे सुबह के गए हुए, और फिर अब वो चले गए हैं ट्यूशन। और मैं पशुओं का चारा डालना, उनका गोबर डालना, और उपले तो बना के भी नहीं आई, दूध निकाल के आई हूँ। और आज मावस है, तो मावस के दूध में सुबह के में जमन नहीं लगता है, अभी गर्म करना पड़ेगा। और दिन तो सुबह हो जाता था गर्म, और उसी में शाम का डाल देते थे, तो आज एक काम और बढ़ गया है। और सुबह भी काम की मारा मारी थी, क्योंकि मावस का दिन है, तो सुबह सुबह, और ये कनागती मावस थी। और अभी जाके करेंगे काम, उनकी ड्रेस धोनी है,
और इस समय मैं काटूंगी बाजरा। और दिन में आज 2 घंटे राकेश ने अच्छी खासी मदद कराई है मेरी, तो अभी मैं लगूंगी काम पे, बाद में देखेंगे बात होगी तो ठीक है, नहीं तो इस व्लॉग का एंड यही समझिए। तो चलिए लगते हैं काम पे, तो देखते हैं दराती बांकड़ी कहाँ है। और ये देखिए जो भी काटते हैं बाजरा उसको साथ के साथ चूटते हैं, और बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितना नुकसान है इस बार। एक मिनट, ये देखिए कितनी ज़्यादा बाल कच्ची रह गई है, जो यूं ही काट काट के डालनी पड़ रही है, कोई काम की नहीं है ये। तो जो भी काटते हैं बाजरा वो साथ के साथ हम चूटनी भी कर देते हैं इसकी। तो अभी करेंगे कटाई, दराती तो यहाँ रखी हुई है, ये देखिए मिल गई। और आज राम जी ने खैर कर रखी है, मौसम कुल मिला के ठीक है, दिन में थोड़े बहुत बादल भी हो गए थे। तो ये देखिए वैसे तो हरी भरी हरियाली हो रही है बिल्कुल खेतों में, इन पेड़ों को थोड़ा थोड़ा छंगवाना है क्योंकि इनके नीचे फसल नहीं हो पा रही है क्योंकि ज़्यादा ही नीचे आ गए हैं। तो ये है बड़बेर, तो इसके लगेंगे बेर सर्दियों में। और ये देखिए कचरी, लेकिन अभी ये बेल से अलग नहीं हुई है, ये देखिए बेल से अलग होने के बाद ही ये मीठी होती है, वरना तो बहुत कड़ी। तो लगते हैं अपने काम पे।